नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल चैनल क्रैक कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने सिर्फ 10th पास की हो यानी 10वीं पास की हो, उन लोगों को अक्सर गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही कम चांस मिलते हैं। लेकिन SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें सिर्फ 10वीं पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी SSC वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसको फॉर्म भरने का डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, फीस कैसे भरनी है, एग्ज़ाम का सिस्टम क्या रहेगा, सब कुछ हम इसकी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो पूरा का पूरा देख ले और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी की डेट्स। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 5th February to 21st March, यानी 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21st March, यानी 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी 23 मार्च तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान, यानी आप ऑफलाइन भी फी भर सकते हैं और उसके लिए आपको SBI में चालान भरना होगा और उसका लास्ट डेट है 25th March। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 29th March, यानी 25th March तक आप चालान जनरेट कर सकते हैं और 29th March तक आप चालान भर सकते हैं बैंक में ऑफलाइन। और ऑनलाइन के कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आगे हम देखेंगे, उनके थ्रू आप ऑनलाइन भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन Tier 1, यानी इसके टोटल जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2 फेज में लिया जाएगा, यानी Tier 1 और Tier 2। तो जो पहला पेपर होगा वो 1 July, यानी 7वें महीने की 1 तारीख को होगा। डेट ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो पहला है वो MCQ होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और वो 21 नवंबर को लिया जाएगा। ये 2 इनकी टेंटेटिव डेट्स है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट यानी SC ST OBC, EWS एंड XR वीमेन, इन सबको गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट, तो इसके लिए एज लिमिट जो नॉर्मल है वो है 18 से लेकर 27 साल तक, और कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2nd January 1994, उससे पहले बर्थ होना नहीं चाहिए, इसके बाद के बर्थ वाले चलेंगे। नॉट लेटर देन 1st January 2003, इसके 2003 के बाद नहीं होना चाहिए और 1994 के पहले नहीं होना चाहिए। ये 18 से 27 साल है वो जो जनरल है उनके लिए अप्लाई होगा। रिजर्वेशन वालों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो हम आगे देखते हैं। SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिजर्वेशन होगा, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का रिजर्वेशन होगा, और फिजिकली पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी PWD के लिए 10 ईयर का रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में यही क्राइटेरिया होता है। Essential qualifications, essential education qualification. The candidates must have passed matriculation examination or equivalent from a recognized board. यानी उम्मीदवार SSC matriculation पास की होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त बोर्ड के थ्रू। ठीक है, यानी SSC पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। How to apply? Applications must be submitted in online mode at the official website ssc.nic.in. दोस्तों, खास ये याद रखें, इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। ये इनका मेन वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और जो रीजनल वेबसाइट्स है
यानी वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, केरला वाला लोग का अलग रीजन है, उनकी अलग अलग वेबसाइट्स भी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। यानी ये इनका मेन वेबसाइट है ssc.nic.in। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी, यानी फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी। फ़ी पेएबल ₹100, यानी ₹100 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस मिलाकर 110-112 रुपये होंगे। इतनी फ़ी आपको पे करनी होगी। वुमेन कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड एक्स आर्मी मैन, एक्स सर्विस मैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट। ठीक है, इन लोगों को फ़ी पे नहीं करनी है। बाकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी के मेल उम्मीदवार है, उनको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो फीस रहेगी ₹100। अब देखते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, फिर मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और थ्रू कैश इन SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चालान। यानी ये सब ऑनलाइन के ऑप्शन है, और अगर आप ऑफलाइन पे करना चाहें तो SBI का चालान डाउनलोड करके 29 मार्च तक वो भी भर सकते हैं। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड पे आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं पेपर वन का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो उसमें जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और 25 मार्क, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क। ठीक है, अब इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। 90 मिनट्स, 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर वेरा 8.1। ठीक है, यानी नॉर्मली कैंडिडेट को 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे में ये एग्ज़ाम ख़त्म करना होगा। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। आगे देखते हैं पेपर टू। जो लोग पेपर वन में अच्छे मार्क्स लाएंगे और वो लोग जो कमीशन ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है उनसे ज़्यादा मार्क लेंगे, उनको दूसरे एग्ज़ाम में वो एलिजिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो दूसरा जो पेपर होगा, दूसरे स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा, वो होगा शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द एड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी या तो आपको एसे लिखनी है इंग्लिश में या फिर लेटर लिखना है। ठीक है, और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई हिंदी में लिख सकता है, कोई गुजराती में, कोई पंजाबी में, कोई बंगाली में, किसी भी लैंग्वेज में आप ऐसे, अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे या फिर लेटर पूछा जाए तो लेटर आपको लिखना पड़ेगा। और उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे में ये आपको ऐसे लिखनी होगी, और उसके मार्क्स रहेंगे 50। ठीक है, हमने पेपर वन में देखा था, उसमें भी बायलिंगुअल पेपर रहेगा, उसमें हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। और ये दूसरा पेपर है, उसमें आप इंग्लिश में या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV। तो दोस्तों, जो लोग पेपर वन पेपर टू दोनों को मिलाकर, दोनों के मार्क्स मिलाकर जो मेरिट बनाया जाएगा उसमें जो लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे उन लोगों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग विद फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो जिन लोगों को बुलाया जाए उन लोगों को पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनकी जेरोक्स कॉपीज यानी फोटो कॉपीज भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों को, जिन्हें कम पढ़ाई की है, सिर्फ SSC तक ही पढ़ पाए हैं किसी न किसी वजह से, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सिर्फ ₹100 फीस भर के आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो पेपर्स होंगे वो भी
टेंथ के क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए उनको उनकी क्वालिफिकेशन, टेंथ की क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनका नॉलेज कितना होता है, उनके आधार पर ही पेपर डिज़ाइन होता है। यानी पेपर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। और जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आपको तीन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन सेंटर आप पसंद कर सकते हैं। और उनको आप, उन सेंटर्स को आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम चूज़ करना है कि आपके कौन कौन से तीन सेंटर पर बैठकर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है और थर्ड चॉइस क्या है, उनके आधार पर आपका हॉल टिकट जनरेट होगा और आपको उस सिटी में जाकर एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको इसी टाइप का वो नोटिफिकेशन मिलता रहे, न्यूज़ मिलती रहे। और जो एग्ज़ाम के रिलेटेड मटेरियल होगा, यानी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर्स, जो एग्ज़ाम में जो जो सेक्शन पूछे जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर है, तो उनके उनसे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू दोस्तों।